जनाब, क्या पॉसिबल है सिर्फ 200 रुपए में जहाज के अंदर बैठना? सिर्फ बैठना नहीं बल्कि खाना भी खाना। अगर आपका ड्रीम है जहाज में बैठने का, इंजॉय करने का, फीलिंग करने का, तो सिर्फ 200 रुपए में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक ऐसी ही जगह पर। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। अज कित्थे लैके चले पाजी? दमन जी, अज बड़ी खास जगह ते लैके जा रहे हैं। तुहानू रेस्टोरेंट भी बहुत दिखा दिते, ढाबे भी दिखा दिते, लेकिन अज ओ तुहानू रेस्टोरेंट दिखाने जा रहे हैं जेड़ा कि एरोप्लेन यानी कि जहाज के अंदर बनया होया और जिसका नाम है जी हवाई अड्डा। और चल बह जा हूँ, लेकिन उस तो पहले पाजी ए दिखाओ खालसा कॉलेज अमृतसर की शान। और मैं दस देव, मैं भी इतने बीकॉम की हुई है पाजी। हूँ बह जाओ, बारिश आने वाली और गगन पाजी साडा इंतजार करते पे आ, झटका पै जानी उन्होंने को। चलो चलो, चलो, चलो। आ गया, आ गया। तो जी क्रिस्टल चौक पर हम पहुंच चुके हैं। इस जगह को क्रिस्टल चौक बोला जाता है, बहुत फेमस जगह है, बड़ा रेस्टोरेंट है और ये जगह सॉफ्टी के लिए बहुत फेमस है। और गगन पाजी यहाँ पर हमारा इंतज़ार करने हैं, थोड़ा लेट हो गए हम दोनों। और देखते हैं गगन पाजी कहाँ पर, वो देखिए जी, दिख गए जी गगन पाजी। सिंह साहब ने हाँ टोर शोर मारी हुई है। सिंह साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और सुनाओ? बहुत बढ़िया, आज तो कमाल हो गई, छाए हुए हो तुसी आज। पाजी के लिए भी सरप्राइज है कि मैं दस्तार में आऊंगा, ये इनको नहीं बताया था मैंने। बिल्कुल। और पाजी सॉरी थोड़ी लेट हो गए है ना? नहीं नहीं कोई गल नहीं, लेट चलता है पर मजा आ गया देख के। बारिश वाला मौसम हो गया है पाजी? वधिया हो गया, बारिश आएगी लगता है। नहीं आएगी हां, लेकिन अच्छा हो गया, थोड़ी गर्मी आई थोड़ी जी। हाँ, क्या बात। चलिए फिर पाजी। और जी दमन सत श्री अकाल, सारे नु सत श्री अकाल, बहुत बहुत प्यार, वड्या नु सत्कार। पूरा डायलॉग पाजी, वड्या नु सत्कार, सारे नु बहुत बहुत प्यार। चलिए जी चलते हैं जी, ये दिल से जो बात आती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है। और पाजी थोड़ा डायलॉग बहुत प्यारा लगता, मजा आ जाता। चलो जी चलिए। तो पहुंच गए जी अपनी मंजिल पाजी, हवाई अड्डे। हाँ बिल्कुल जी, हुण श्री अमृतसर साहिब दे विच दो हवाई अड्डे हो गए जी। हाँ। एक श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक इत्थों दा लोकल खाण पीण वाला हवाई अड्डा। खाण पीण वाला है। आइए जी चलते हैं। तो लीजिए जी, हम पहुंच गए हमारी मंजिल अमृतसर के हवाई अड्डे पर। जहाज की बात करूं, एयर इंडिया का ये जहाज है जो नंबर है एयरबस A320 है। ये जो एरिया रहता है, पायलट के बैठने की जगह रहती है जिसे कॉकपिट बोला जाता है। ये एंट्री और एग्जिट गेट है, लगेज रूम आप देख सकते हैं, इंजन कॉइल है। और बिलीव मी पाजी, जो फीलिंग आ रही है एकदम से एयरपोर्ट वाली, जहाज वाली आ रही है। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग है और मजेदार है। सब तो बेस्ट पार्ट रही है कि इन्होंने ये कोई चेंज नहीं किया हुआ, सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स ने, एक भी किसी का कोई चेंज नहीं। अनाउंसमेंट हो चुकी है पाजी, जहाज जाने वाला है, फ्लाइट निकलना जा रहा है। आ जाओ जी। कईयों का ना सपना होंगे दीपक जहाज में बैठना, लेकिन कईयों का पूरा नहीं होंगे। इन्होंने एक बड़ी वधिया चीज़ की है, इतने जो बनाता है ना जहाज वाला रेस्टोरेंट बनाता है, देखो दो सेल्फियां ले रहे हैं, कितना इंजॉय करते पे ने, आके जहाज की फीलिंग ले रहे हैं। जेडे नहीं जा सकते उस हवाई अड्डे पर, इतने आके पूरा अपना मजा ले रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल। और बोर्डिंग वाली जगह पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। और अभी प्रेजेंट की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला जो प्लेस है, और वाकई भाजी एयरपोर्ट वाली फीलिंग, पूरी एयरपोर्ट वाली फीलिंग है। और मैम रेडी है जी हमारा बोर्डिंग पास? थैंक यू सो मच। तुम्हारा जो बोर्डिंग पास है मेरा, गगन पाजी का, और साथ में कैमरे के पीछे मेरा छोटा भाई दमन का आ चुका है। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड कि कैसे फीलिंग होने वाली है, जायका कैसे होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। अरे वाह, ये क्या आ गया जी, लाउंज? ये जी वेटिंग एरिया। हाँ, और ये नाल ही VIP लाउंज है जी, जिस तरह एयरपोर्ट से होंगी है। हाँ, सो वेटिंग एरिया इतने, जिन दर फ्लाइट की अनाउंसमेंट नहीं होनी, लोगों ने वेट करनी है, कॉफी पीनी है। सानी अनाउंसमेंट हो गई, असं चलिए उपर। चलिए जी।
चलो भाजी फ्लाइट बोर्ड करिए। हाँ एक्साइटेड लो जी। थैंक यू सर। गुरजोत सर। हेलो सर। तो जी गुरजोत जी हैं टेलीफोन पर, थोड़ी सी बातचीत इनसे हो रखी है, इजाजत पाजी से हमने ले ली है। और गुरजोत सर मजा आ रहा है जी, ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे एयरपोर्ट पर हम पहुंच गए। हाँ जी, दो दो हवाई अड्डे अपने बना दिए अमृतसर में। अमृतसर में क्या बात। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, इस समय हम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए जी, बड़े बड़े हैं पर, विंग विंग। आप चल के दिखाएं इनको, इधर चढ़ सकते हैं आप? हाँ जी चढ़ सकते। गगन पाजी ओ क्या बात है जी। ओ गगन पाजी ध्यान ना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यही से एंट्री गगन पाजी करने लगे हैं। और किदा लग रहा है भाजी? वधिया लग रहा है, मैं उड़ रहा हूं हवा दे विच। आ हा हा हा, तो अमेजिंग है जी, फीलिंग अमेजिंग है। और बहुत अच्छा कंसेप्ट है पाजी, सबसे पहले तो ये बोलूंगा। और वी आर एक्साइटेड। चलें पाजी अंदर। हां जी अंदर चलते हैं। चलिए जी। हां जी। और इस एरिए को क्या बोला जाता है? एरो ब्रिज। एरो ब्रिज जी। तो मतलब अब हम हवा के ऊपर हैं जी, और डायरेक्ट जा रहे हैं जी फ्लाइट में। सत श्री अकाल मैम, थैंक यू सो मच। तो स्वागत बिल्कुल वैसे किया जाता है जी जी जी। तो बहुत अच्छा है जी, मजेदार। और तो पाजी वेलकम प्यार से किया जाता है वैसे ही। हां तो पाजी इजाजत हो कैबिन में, बाद में जाएं पहले जा सकते हैं जी जी, कॉकपिट में जरूर जी। क्या बात है जी। तो जी ये पहली बार है कि हमें परमिशन मिल गई है कॉकपिट में बैठने की। ओ वाओ जी। गगन पाजी हां जी, जिन्ना मर्जी सफर कर लो जी, एदे च बैठने दा मौका बहुत मिलदा ही नहीं। मेरा दिल कर रहा है कि जहाज नु उड़ा दईए, लेके निकलिए टूर ते। गगन पाजी का दिल कर रहा है कि बस उड़ा दिए हैं, लेकिन इसमें इंजन नहीं है पाजी। इंजन नहीं, बाकी सारा कुछ है जी, बाकी सारा कुछ सारा। तो गुरजोत सर थोड़ा सा बता सकते हैं क्या क्या है जी? मीटर बहुत सारे हैं ये पता लग रहा है जी। ये तो जीपीएस के मीटर हैं जी। जी जी। उसके बाद ये राइट लेफ्ट है। अच्छा हाँ जी। और जो उड़ाया जाता है जैसे रेस खींच के, इससे क्या बोला जाता है? रोटर्स को। अरे वाह, तो इसको ऐसे किया जाता है जी। वाह जी वाह, तो जबरदस्त फीलिंग है जी। और ये चेक करें जी, बहुत कुछ है यहाँ पर। और बहुत डिफिकल्ट जॉब रहती है जहाज को उड़ाने की। हाँ बहुत ज्यादा। गगन पाजी जबरदस्त फीलिंग है। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी आज तुसी फीलिंग कराती है गुरजोत जी, जहाज की पूरी फीलिंग सानू सारे नु कराती है जी जी जी। तो उड़ा सकते हैं पाजी? उड़ाई जी, चलो बिना इंजन के, बिना इंजन के जी जी। अब अंदर चलते हैं। तो चलिए जी चलते हैं कैबिन में। एंड बिलीव मी, ये फर्स्ट टाइम है कि कॉकपिट में पाजी से परमिशन मिली, और गुड एक्सपीरियंस है पाजी, वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलो आओ जी। तो चलिए चलते हैं जी कैबिन में। तो पाजी मजा आ गया जी कॉकपिट में बैठने का। हां दिस इज अ वेरी फर्स्ट टाइम की मतलब एक्सपीरियंस हुआ। हां जी हां जी। और पाजी बल्ले बल्ले हो गई। हां मजेदार सी, और ट्रू फीलिंग कैबिन भी और कॉकपिट भी। और पाजी इंजन नहीं था, इंजन होता तो फ्लाइट चल ही जाती। और इस समय हम कैबिन में आ चुके हैं। और पाजी कितने लोगों के बैठने की जगह है जी? 100 100 लोग बैठ सकते हैं। तो एकदम से रेस्टोरेंट वाला माहौल है, दाएं बाएं आप देख सकते हैं, फूड को एंजॉय किया जा रहा है, लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं, और जबरदस्त है। एक्सक्यूज मी मैम, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहा आपका हवाई अड्डा पर? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बिल्कुल रियल फीलिंग आ रही है हमें कि हम बिल्कुल एरोप्लेन में ही बैठे हैं। तो अभी आज हमारी किट्टी थी, तो किट्टी यहाँ पे हम सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। और फूड किया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है, हर चीज़ अच्छी है, टेस्टी है, और काफ़ी जायका रियल है, ऑथेंटिक है। क्या बोलेंगे? बहुत टेस्टी फूड है, सूप बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। यार फूड वाज एक्सीलेंट एंड वी आर एंजॉयिंग लॉट, थैंक यू। सुपर एक्सीलेंट। मेरे को तो लगा था कि पहले आया बहुत रश है, लेट हो जाएंगे, लेकिन सर्विस बहुत क्विक है, बहुत जल्दी हमें सब कुछ अरेंज हुआ है, सब कुछ अवेलेबल हुआ है हमें बहुत से। और पाजी कटलरी वगैरह मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पर लगेज में। अच्छा क्या बात है। तो पंजाबी में इसे जुगाड़ बोला जाता है जी, और जुगाड़ करके यहाँ पर कटलरी रखी गई है। और जो सबसे अच्छा, मैं यहाँ पर जितने भी आपका स्टाफ है सारा ड्रेसेस में है पाजी। हाँ जी जी। क्या बात है। तो वेलकम किया जाता है बेहतर सर्विस देने के लिए, एक्सपीरियंस स्टाफ है जैसे पाजी बता रहे हैं, और वेल ड्रेस हैं। पाजी कैसा लग रहा है जी? बिल्कुल, जो एरोप्लेन के अंदर का एक्सपीरियंस है ना, जो फ्लाइट के अंदर होता है, सेम एक्सपीरियंस उन्होंने तुम्हें इतने दे देता। क्या बात है जी।
तो गुरजोत सर, ये वेज है या नॉन वेज है या दोनों सब किया जाता है? प्योर वेज रहता है। क्या बात, तो मेरे मतलब का है पाजी। और पाजी भूख लग गई, लेकिन इससे पहले खाना कुछ हम ऑर्डर करें। आई विश कि आप अलाउड करेंगे हमें किचन में जाने के लिए। जी जा सकते हैं जी, छोड़ ले। चलिए जी, तो चलिए किचन में जाते हैं। हवाई अड्डा में हूँ, अमृतसर में हूँ, जंडियाला गुरु में हूँ, और गुरजोत सर के साथ जा रहा हूँ इस जहाज की किचन में। चलो पाजी। तो गुरजोत सर, ये कौन सा सेक्शन आ जाता है जी? चाइनीज सेक्शन है जी हमारा, बहुत अच्छा चाइनीज। क्या बात है जी, तो तड़के छड़के लग रहे हैं जी चाइनीज सेक्शन में। पूरे प्रोफेशनल शेफ है जी। जी चाइनीज बहुत ही हमारा अच्छा सेक्शन है जी। आप चाइनीज भी खाए हमारा, तो मेन्यू काफी लंबे वाला रहता है चाइनीज की मैं बात करूं। बहुत ही अच्छा मेन्यू है जो आपको सिटी में नहीं मिलेगा जी, हमारा चाइनीज सेक्शन है सर। और गुरजोत सर, ये आ गया जी हमारा इंडियन सेक्शन। इंडियन सेक्शन जी जी जी, काफी सारी वैरायटी है हमारे पास जी। मेन कोर्स में स्नैक्स तो है ही है, मेन कोर्स में बहुत वैरायटी है। और मैं देख रहा हूँ पीतल के बर्तन भी रखे हुए हैं। पूरा पूरा पीतल के बर्तन में रेडी होता खाना। तो इसमें कौन सी दाल तैयार होती है? दाल तैयार होती है। क्या बात है। एक तंदूरी सेक्शन आ गया जी साडा जी, जिहदे विच साडे कोल वेज प्लेटर दी काफी डिमांड रहिंदी है। ये हुण साडी मशरूम लग रही है जी। ये क्या लग रहा है जी? मशरूम लग रही है जी। क्या बात है जी, तो तंदूरी वेज प्लेटर की तैयारी हो रही है भाजी। जी जी, आओ दीपक भाजी, साडी बेकरी भी अपनी जी। तो बेकरी इन हाउस है जी? बेकरी इन हाउस है। तो केक पेस्ट्री ये सारा कुछ यहीं पर तैयार होता है? क्या बात है। तो ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि इन हाउस इनकी अपनी बेकरी है। तो जी चाइनीज देख लिया और इंडियन देख लिया, तंदूरी देख लिया, तो अब बेकरी है, बेकरी भी देख ली। और पाजी हुण भूख लगी जी, आओ खाने कुछ। तो गगन पाजी इंतजार कर रहे हैं जी, चलें जी फिर कैबिन के अंदर। चलो चलिए जी। क्या बात, थैंक यू सो मच जी। अच्छा थोड़ा सा इंतजार, धन्यवाद सो मच सर, थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ा है क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन हार्डली 15 से 20 मिनट पाजी लग गए है ना। देखो जी सर्विस टाइम लगता है, अच्छी चीज़ बनने से टाइम लगता है। अच्छा हमने मंगवाया क्या क्या पाजी, सबसे पहले ये बताओ। स्प्रिंग रोल्स आ गए जी, दिस इज़ वेज बिरयानी, और ये स्पेशल किस्म के इनके बहुत फेमस जो चाउमिन हैं, नूडल्स हैं, क्या बोला जाता है इसका? उडपी नूडल्स। उडपी नूडल्स हैं, और ये काफ़ी टेबल्स पर ऑर्डर जा रहा था इसलिए हमने भी ऑर्डर कर दिया है। बाकी पिज़्ज़ा है, मेन कोर्स की बात करूँ पनीर है, दाल मखनी है, ब्रेड है, और पाजी पोख तगड़े वाली लगी। बिल्कुल ये लेट्स स्टार्ट, करिए जी शुरू। बिल्कुल चलिए जी। और सबसे पहले आगे जी स्प्रिंग रोल, और झूठ नहीं बोलूँगा, कैमरा ऑन करने से पहले, दमन भाई के कैमरा ऑन करने से पहले मैंने दो खा लिए हैं एंड बिलीव मी पाजी, बाकी आप खाकर बताओ। मैं आपको ये बता सकता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चाउमिन जो इसके अंदर है, स्पेशली जो वेजी चाउमिन हैं ये वाले हैं, और उसमें क्रंच बिल्कुल है और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है जी। बिल्कुल अच्छी है। आप भी खाओ कैसे लग रहे हैं? लुक्स वेरी टेम्प्टिंग, गुड, बड़ा ऑथेंटिक टेस्ट है। और जो सही बात लग रही है ना, फीलिंग वही आ रही है कि प्लेन के अंदर बैठे हुए, बस वो झटके नहीं लग रहे हैं। बाकी माहौल खास है। सो लेट मी चेक इट आउट जी, जो इनके हैं जी उडुपी चाउमिन जी, उडुपी नूडल्स, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा पाजी मैं आपको बता दूं, ये जो है चाउमिन है ये वीट से तैयार किए गए हैं जी, मैदे वाले ये नहीं है, स्पेशल और फ्लैट नूडल्स हैं एंड दीज आर मेड फ्रॉम वीट, और यही इसको खास बनाता है। भाई टिपिकली जो चाइनीज का मजा होता है ना, वो चाहे हमने स्प्रिंग रोल खाए हैं, वो टिपिकली चाइनीज वाला स्वाद इसमें है जी। और ये है जी गगन पाजी का बहुत फेवरेट रहता है, जहाँ पर भी हम जाते हैं मेन्यू में एक चीज ऑर्डर की जाती है, वो होता है गगन पाजी का पिज्जा। और बेस्ट पार्ट यही है कि थिन क्रस्ट पिज्जा है, और मैंने थिन क्रस्ट पिज्जा बहुत पसंद है। वाह गुड है यार। और ये आ गया जी हमारा मेन कोर्स। भाई अगर आप ढाबे में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बींग एज ए पंजाबी आपको एक बात बता सकता हूँ कि दाल मखनी हर किसी का पहला फेवरेट मेन कोर्स रहता ही रहता है। फर्स्ट चॉइस पंजाबी। और ये आगे जी दाल मखनी, रेस्टोरेंट वाला स्वाद है, बहुत सी क्रीमी है, और गुड है भाजी। कैसी लगी थी? फ्लेवर बहुत अच्छा है। और ये लेते हैं जी बड़ी सी बाइट पनीर के साथ। पनीर सॉफ्ट है, ग्रेवी अच्छी है, काफी क्रीमी है, और अगेन वही बात बोलूंगा कि ज्यादा जो एंजॉय कर रहा हूँ वो इस बात का कर रहा हूँ कि मैं प्लेन में बैठकर बिल्कुल फूड को एंजॉय कर रहे हैं। ये नया थीम है और आई टोटली एंजॉय। बिरयानी बिरयानी टेस्ट कर दिया।
फुल ऑफ फ्लेवर्स, खड़े मसालों का जो फ्लेवर अरोमा आ रहा ना बहुत वधिया आ रहा है, बहुत अच्छी बिरयानी है, गुड बिरयानी। तो भाई इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा, चाहे बात स्नैक की करूँ चाहे बात मेन कोर्स की करूँ, स्वाद जायका सर्विस एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। और जो सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइसेस हैं बहुत बहुत सही हैं, जो एक नॉर्मल आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं वही प्राइसेस हैं, और कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं। 200 फीस रहती है इसकी बोर्डिंग चार्ज की, वो भी आपके बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर बच्चे आते हैं 12 साल से कम वाले, उनको बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है। तो वेलकम, दिल से स्वागत है ऐसे कंसेप्ट का हमारे शहर में। एक चीज़ और जरूर ऐड करांगा, बहुत पसंद कर रहे सारे लोग इन्हों, थोड़ा वेट कर, शायद तुम्हें वेट करनी पवे, बट वेट अच्छी होंगी है, सब का फल मीठा होंगे जो खाना अच्छा मिल जाए। सो यू विल गेट अ गुड फूड और फूड में इंजॉय करना, 15-20 मिनट जो वेटिंग होएगी, वेटिंग के बाद खाना अच्छा मिलेगा। सो आओ इंजॉय करो। चलिए जी, इजाज़त लेता हूँ, फूड को इंजॉय करूँगा, बातचीत करेंगे और लव यू ऑल, प्यार दीजिएगा। पप्पा जी आपका डायलॉग, हंसते वसते रहो, सदा ही खैरा, सदा ही खैरा।